गाइस हमारी टीम की फील्डिंग खत्म हो चुकी है, बॉलिंग खत्म हो चुकी है। कितने का टारगेट है? न्यू 90 का टारगेट है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है जुम्मा, तो आप सभी को सबसे पहले जुम्मा मुबारक। तो आज कुछ काम है घर की, थोड़ी सेटिंग वगैरह करनी है, मतलब सही वगैरह करना है, थोड़ा बिखरा बिखरा पड़ा घर, तो उसको ठीक करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के आता हूँ, जुम्मा है तो फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अभी प्लान में चेंज आ चुका है, मैं नमाज पढ़ के आ चुका हूँ और घर पे जो काम था वो नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरे को जाना पड़ेगा मैच खेलने के लिए। क्रिकेट आमिर बोल रहा है क्रिकेट खेलने जाना है, मैं खेल लेने वाला, बस देखने जाना है। तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे जाके। ओ हमारे आमिर भाई रेडी होते हुए। तो गाइस फाइनली अभी मैं ग्राउंड पे आ चुका हूँ और 3 बज रहे हैं अभी, और हमारी मैच नहीं है, मतलब हमारी टीम की मैच नहीं है, दूसरी टीम की भी मैच चल रही है, उसके थोड़ी देर बाद हमारी मैच है। तो फटाफट से देखते हैं हमारी मैच कब स्टार्ट होती है। धूप एकदम फेस पे आ रही है ख़तरनाक, और वहाँ पे सब लोग थे इसलिए मैं थोड़ा दूर रह के व्लॉग शूट कर रहा हूँ, सब लोग देखते भी तो थोड़ा अजीब लगता। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, बट अभी मैं थोड़ा दूर आ गया और व्लॉग शूट कर रहा हूँ। फिर जाता हूँ मैं थोड़ा ग्राउंड के पास और दिखाता हूँ आपको ग्राउंड कैसा है। गाँव का है हमारा इलाका, तो बनाया हुआ है जेसीबी वगैरह से खोद खाद के बनाया हुआ है और अच्छी पिच है। मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ और मैच स्टार्ट होगी उसके बाद मिलता हूँ। ओके गाइस, हमारी टीम ने टॉस जीत के यहाँ पे बैटिंग का फैसला नहीं किया है, I mean फील्डिंग का फैसला किया है, तो हमारी टीम कर रही है फील्डिंग। तो बस अभी थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हो रहा है, बैट्समैन आ चुके हैं दूसरी टीम के, और मैं थोड़ा छुप छुप के धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मेरे को कोई देख तो नहीं रहा। चलिए मैच स्टार्ट होने वाला है, बस फील्ड सेट हो रही है और अब बस मैच स्टार्ट होने ही वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़े बहुत शॉट्स दिखाऊंगा अगर अंदर अच्छा खेले तो। बाकी चलिए देखते हैं कैसा होता है, क्या खेलते हैं क्या नहीं खेलते, मिलते हैं। हमारे आमिर भाई आ चुके हैं यहाँ पे गेंदबाजी के लिए।
और रे गाइस, हमारी टीम की फील्डिंग खत्म हो चुकी है, बॉलिंग खत्म हो चुकी है। कितने का टारगेट है? न्यू 90 का टारगेट है और हमारे बैट्समैन जा रहे हैं, मतलब पहुंच चुके हैं ग्राउंड पे। देखते हैं कैसा खेलते हैं। 10 ओवर की मैच। नाइस। स्ट्राइक पर है मौलिक और नॉन स्ट्राइकर एंड पे है हमारे जुनैद खान। आमिर पहुंच चुके हैं एम्पायरिंग के लिए। पहली गेंद दूसरी इनिंग की। ग्राउंड शॉट। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए फील्ड चेंज। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की गई है जुनैद खान के लिए। व्हाट अ शॉट। मुगरी नहीं है करण। तो गाइस अभी 2 ओवर बची हुई है और सिर्फ 3 रन करने हैं जीतने के लिए, यानी कि 12 बॉलों में 3 रन करने हैं, तो बस जीतने ही वाले हैं, बस मैच खत्म ही होने वाला है। छक्के छक्के चौके चौके मार दिए, अब बस जीत चुके हैं। तू तो आउट हुआ भाई, रहने दे, कैच दिया है मैंने। ओहो, यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा था तभी मौलिक, जिन्होंने मैच को एंड पारी तक ला के मतलब खड़ा किया है, ऑलमोस्ट जिता दिया, वो आउट हो गए। 3 रन बनाने थे बस और वो आउट हो गए। अब शानवाज आए हैं 3 रन करने के लिए। चलिए देखते हैं शानवाज। और यहाँ पे खेल दिया गैप में, नहीं फील्डर मौजूद। 2 रन की ज़रूरत। सीधा बॉलर को दिया और 1 रन चुरा लिया। और इसी के साथ मैच जीत चुके हैं। तो बस फाइनली मैच खत्म हो चुका है और हमारी टीम मैच जीत चुकी है। और अब जा रहे हैं सब लोग घर के लिए, हम भी जाएंगे घर पे। सरदर्द हो रहा है। हमारे जुनैद खान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, आमिर ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, दोनों ने विकेट्स लिए। बस बैटिंग आई नहीं क्योंकि हमारी ओपनिंग साझेदारी काफ़ी अच्छी थी। मैं तो देखने आया था, मेरे को कह रहे थे खेलने के लिए, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मन नहीं था खेलने का। वो हमारे आमिर भाई आते हुए जिन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, अभी वापस आ रहे क्योंकि बैटिंग तो आई नहीं। पहले ही जीत गए हम लोग। बस एक हमारी विकेट गिरी थी, वो भी आप जानते हैं किसकी विकेट गिरी होगी। ये रहे उमरतिया, गजब बेइज्जती है। बस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे गली क्रिकेट चालू है। एक मैच खत्म करके दूसरी मैच पे आ चुके हैं। गली क्रिकेट चल रही है, अब यहाँ पे भी थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। सीन ऐसा है कि हमारी फील्डिंग आ गई है और ये अनलिमिटेड ओवर की गेम है, यानी आपको बस आउट करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड ओवर्स है, 21 एंड आउट है, हमारी फील्डिंग आई है, बस तो देखते क्या रहता है सीन।
फाइनली अभी मैं घर पे आ गया हूँ। अंधेरे की वजह से हम मैच तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, बट अभी मैं फाइनली घर पे आ गया हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, दोपहर को भी नहीं खाया था, मैंने लंच भी नहीं किया था, तो अभी आके मैं खाना खा रहा हूँ। तो तीखा है, तीखा लग रहा है मेरे को, तो खाना खाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि आज बहुत सारी फाइल्स इकट्ठा हो गई तो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए फटाफट से पहले खाना खाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो वैसे अभी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, और हम लोग अभी जा रहे हैं चाय पीने के लिए। चाय पी के आते हैं और उसके बाद मैं करता हूँ अपने ब्लॉग को एंड। तो चलिए चाय पीने जाते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। तो वैसे मैं घर पर आ चुका हूँ, मम्मी पापा सब सो चुके हैं, और चाय वगैरह पी के मैं आ चुका हूँ, और अभी एडिटिंग वगैरह बाकी है। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपकी वाला व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा ऐसे ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो फाइनली अभी मैं ग्राउंड पे आ चुका हूँ, अभी 3 बज रही है।